हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं विजेता मोटर्स, ये है मालवी चौक के आगे में ही है, तो ये दुर्ग में है, एड्रेस है। अगर आप रेलवे स्टेशन में आओगे तो वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी आपको स्क्रीन में शो करेगा। और आज मैं आपको यहाँ का पूरा गाड़ी का डिटेल बताने वाला हूँ। कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं यहाँ, 6-7 गाड़ी, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा और यहाँ से एक भैया से बात करेंगे, पूरा गाड़ी का डिटेल लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरे ID नंबर है chitrans12345। तो चलो पहले आइए भैया से बात करें। और भाई वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आपका नाम क्या है? ओमकार। अच्छा, यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? 7 महीने से। हाँ। यहाँ गाड़ी का कलेक्शन कब कब तक आता है? न्यू में सेकंड हैंड जैसे ये आ जाता है करीबन 2-3 महीना। 2-3 महीना टाइम लगता है कि 10-15 दिन में आते रहती गाड़ी? नहीं, 2-3 महीना। और फाइनेंस की सुविधा है यहाँ? हाँ है, फाइनेंस हो जाता है ना। हाँ। तो अभी यहाँ क्या क्या गाड़ी दिखाने वाले आप मुझे? अब तवेरा, ये प्याज है, अर्टिगा, स्कॉर्पियो, सेंट्रो है। जैसे ये तवेरा है, ये कौन सी मॉडल है? 10 मॉडल है, 2010 की। 2010 मॉडल। डीजल है कि पेट्रोल है? डीजल गाड़ी। हाँ। पासिंग कहाँ की है? पासिंग है अपनी दुर्ग की है। अच्छा, CG07 दुर्ग पासिंग है। हाँ। अच्छा, रनिंग कितना हुआ है? रनिंग उसका 95 हुआ है। 95,000। हाँ। अच्छा, ओनर कौन सा है? ओनर थर्ड ओनर। प्राइस क्या रखें इसका? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख आने के बाद नेगोशिएबल है? हाँ है ना, नेगोशिएबल। तो चलो आइए आज इसका इंटीरियर देखते हैं। सबसे पहले तो हम टायर दिखाते हैं आपको। टायर का कंडीशन देखिए 60% ओके है। तो चलो आइए अंदर का इंटीरियर देखते हैं। भाई आप ओपन करेंगे गेट? ये देखिए, ये तवेरा टर्बो है। इधर का भी टायर देखिए, कंडीशन इसका भी बढ़िया है। तो आइए देख सकते तवेरा, ये ट्रैवलिंग आप टूरिस्ट में जा रहे हैं तो ये गाड़ी उसके लिए बेस्ट है। कितना सीटर है भाई? 9 सीटर। इसका माइलेज क्या होगा? हाँ, एवरेज ये है 15 के आसपास ना। तो देखिए म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। मॉडल क्या बोले भी आप? 2010 की मॉडल है। तो देखिए पीछे का भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे का भी कंडीशंस देखिए। ये लगभग इसमें आप 12 लोग तो आ ही जाएंगे, है नहीं? 15 लोग आराम से है। 15 सीटर गाड़ी है, 9 सीटर है, 15 आराम से आ जाते हैं। अच्छा, 9 सीटर है, 15 आराम से। पीछे का भी आप दिखाते हैं, पीछे का भी ओपन करके। तो पीछे का भी कंडीशन जैसे कि भैया ने बताया, 9 सीटर गाड़ी, 15 लोग आराम से आ जाते हैं। ऊपर का देखिए, सामने का बहुत लंबी गाड़ी है तवेरा। तो इसके बाद है सेकंड भाई, ये सियाज मारुति सुजुकी की। कौन सी मॉडल है? 2017 मॉडल है। ओनर कौन सा है? ओनर है अभी फर्स्ट ऑनर है, अभी सेकंड हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट मतलब अब आएगा तो सेकंड ऑनर है। हाँ। गाड़ी पेट्रोल है कि डीजल है? ये डीजल। डीजल गाड़ी। इंश्योरेंस है इसमें? हाँ। और इसमें था कि इंश्योरेंस है ना, उसमें भी सब गाड़ी। नाम ट्रांसफर सभी कंप्लीट करके दोगे? हाँ, सब कंप्लीट। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, इसका प्राइस क्या रखे? प्राइस इसका है 6.5 बोल रहे हैं। 6.5। अच्छा, नेगोशिएबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अच्छा, रनिंग कितना हुआ है? रनिंग इसका 2। तो चलो आइए आप मीटर में देखते हैं रनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो कंडीशंस देखिए कि लग्जरी कार में आती है ये मारुति सुजुकी की। टायर की कंडीशंस देखते हैं, 80% ओके है। अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको, गाड़ी का पूरा क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, भैया को पूछते हैं। ये देखिए पावर विंडो दिया हुआ है, पावर विंडो है, एयर बैग्स दिया हुआ है, फर्स्ट है स्टेयरिंग के पास ही, और पावर स्टेयरिंग गाड़ी है, AC दिया है, कंपनी फिटेड, आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, कंपनी फिटेड सीट्स कवर है, सभी कंपनी फिटेड है। पीछे का कंडीशंस देखते हैं, सीट कवर देखिए, पीछे का भी आपको दिखाते हैं। पीछे का कंडीशंस देखिए, लग्जरी कार में जैसे वर्ना कार होती वैसे ये सियाज की लंबी कार है। तो चलो पीछे का भी कंडीशंस देखते हैं। और पासिंग कहाँ की है भाई? 4 CG04 रायपुर की पासिंग है। अच्छा, तो चलो आइए पीछे का थोड़ा देखते हैं व्यू। हम आपको रनिंग बताना मीटर में तो भूल गए, लेकिन इसका रनिंग है 61,000 के थोड़ा ही ऊपर चली हुई है, 61,000। और पीछे का देखिए गाड़ी का, पीछे आराम से सामान वामान रखने के लिए बेस्ट है। तो गाड़ी का व्यू थोड़ा इधर से भी हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल डीजल भाई? ये वाली डीजल गाड़ी है ना।
तो गाड़ी तो अब देख ले, इसके बाद सेकंड गाड़ी देखते हैं भाई। ये एर्टिका, ये कौन सी मॉडल है? 2014 मॉडल है। पासिंग कहाँ की है? पासिंग रायगढ़। रायगढ़ पासिंग, मतलब CG13 रायगढ़ पासिंग है। ओनर? ओनर है ये सेकंड ओनर था, थर्ड ओनर थर्ड ओनर होगा अभी के बाद, है नहीं? और इसका प्राइस क्या रखे? प्राइस इसका है 625 बोल रहे हैं। अच्छा, नेगोशिएबल है? और हाँ है। एक बार पूरा कंप्लीट करके देंगे, है ना? हाँ। और जैसे किसी को बाहर से लेना है तो हाँ। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कितना किलोमीटर चलोगे ये गाड़ी? चल रहा है तो चल, आपको मीटर में दिखाएंगे। और अच्छा चलो आइए, टायर का कंडीशन देखिए, 60% ओके है समथिंग। और आइए आपको मैं मीटर में इसका रनिंग कितना हुआ है वो मैं आपको शो करता हूँ मीटर में ही। जैसे कि मैंने बताया था ये कितना किलोमीटर चला हुआ है, ये आप खुद देखिए लाइव। 72,491 किलोमीटर चली हुई है। और देखिए पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो दिया हुआ है, एयरबैग्स है, एसी है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, कंपनी फिटेड सीट कवर। पीछे का भी देखिए कंडीशंस पूरा ओके है। ये कितना सीटर गाड़ी है भाई? ये भी 9 सीटर। 9 सीटर। माइलेज क्या है इसकी? माइलेज ये देगा 16-17 के आसपास, है ना? तो और इसका पासिंग क्या है? अच्छा, पासिंग रायगढ़ बताए थे ना आप? रायगढ़ बताया। इंश्योरेंस है इसमें? हाँ है ना। अच्छा। पीछे का कंडीशंस देखते हैं, टिका ZDI। ये डीजल गाड़ी बॉस? डीजल है ना। तो आया पीछे का भी, ये देखिए पीछे से भी मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए एसी दिख रहा होगा आपको, एसी दिया हुआ है। गाड़ी बढ़िया, लंबा ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट गाड़ी है। तो लगभग ये गाड़ी देख ले, इसके बाद है स्कॉर्पियो वाली गाड़ी देखते हैं भाई। ये स्कॉर्पियो कौन सी मॉडल है? ये 2013 मॉडल है। अच्छा, ओनर? ओनर है ये भी, सेकंड ओनर। सेकंड ओनर। पासिंग कहाँ की है? पासिंग कवर था। इंश्योरेंस है इसमें? हाँ। रनिंग कितना हुआ है? रनिंग इसका दिखाएंगे आओ। अच्छा रनिंग। और इसका प्राइस क्या रखे? 5 लाख रुपये। 5 लाख। नेगोशिएबल है? अच्छा, पहले तो हम आपको ये देखिए टायर दिखाते हैं। टायर तो अच्छी कंडीशंस में है, 80% पूरा ओके है टायर। स्कॉर्पियो अच्छी लंबा टूरिस्ट के लिए बेस्ट गाड़ी है। आइए रनिंग दिखाते हैं। इसमें देखिए ये कितना किलोमीटर चला हुआ है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए 72,000 चला हुआ है। और AC दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, बाकी जैसे नॉर्मल रहता है AC भी दिया हुआ है। ये कितना सीटर गाड़ी है भाई? 9 सीटर। माइलेज क्या देती है? 15-16 के आसपास है ना? हाँ। और ये पेट्रोल है कि डीजल है गाड़ी? ये भी डीजल ही है। डीजल ही है ना। ये देखिए पासिंग कवर्धा है ना? हाँ। पासिंग कवर्धा है। तो देखिए टायर का कंडीशंस भी, ये वाला देखिए, ये भी कंडीशंस 80% ओके है। तो इसके बाद एक और गाड़ी है वाली गाड़ी देखते हैं भाई। ये सेंट्रो कौन सी मॉडल है? 2011 मॉडल है। अच्छा, ये कितना किलोमीटर चला होगा? ये आप दिखाएंगे आपको। और ये ओनर कौन सा है? ओनर ये है सेकंड ओनर। सेकंड ओनर गाड़ी है। पासिंग कहाँ की है? CG10 बिलासपुर पासिंग है। हाँ। अच्छा, इसके इंश्योरेंस है? हाँ, इंश्योरेंस है ना। हाँ। अच्छा, तो आइए पहले टायर देखते हैं, फिर अंदर आपको मीटर में दिखाएंगे। ये देखिए टायर का कंडीशंस लगभग आपको 80% ओके मिलेगा। और साथ ही पीछे का भी टायर देखते हैं, ये भी पूरा 80% लगभग। टायर नए नए हैं, है ना? अभी इसका प्राइस क्या रखे हैं? प्राइस है 1,75,000। 1,75,000 नेगोशिएबल आने के बाद? अच्छा, तो चलो आइए इंटीरियर देखते हैं। ये देखिए AC दिया हुआ है, AC है, म्यूजिक सिस्टम है। और इसमें किलोमीटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंधेला दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए 52,000 चली हुई है गाड़ी। ये वाली कार, ये देखिए पीछे का सीट कवर देखिए, 1,75,000 बोले ना भाई? हाँ। तो लगभग हमने सभी गाड़ियाँ देख लिया है। तो चलो आइए थोड़ा भाई से बात कर, लगभग आपको यहाँ सभी गाड़ियाँ देखने को मिल गया है। तो आइए थोड़ा भाई से कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। ये मालवी नगर चौक है। अच्छा। मालवी नगर चौक के आगे जेता मोटर है, यहाँ गाड़ियों की शॉप है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ सेकंड हैंड कार आपको कुछ कुछ दिन में मिलते ही रहेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, यहाँ का कुछ रिस्पांस देखते हैं। तो यहाँ का लाइक अच्छे से कीजिए भी, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।